चीन की घुसपैठ के खिलाफ फ्रांस और भारत ने मिलकर उतारी अपनी सेना, तो फिलीपींस ने भी चीन पर तानी ब्रह्मोस मिसाइल। अब चीन के लिए समुद्र में चारों तरफ से होगी सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और भारत को अरब सागर में एक साथ देखकर चीन और पाकिस्तान की नौसेना में जबरदस्त खलबली मची हुई है। भारत की ओर से युद्धपोत स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, इंटीग्रल सीकिंग MK-42B हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्ती विमान P-8I और साथ ही MiG-29 लड़ाकू विमान बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। उधर अभी कुछ महीने पहले जब क्वाड देशों ने मिलकर युद्धाभ्यास किया तो उस वक्त सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया था कि कई पेट्रोलिंग जहाज भारतीय सीमा के बिल्कुल नजदीक चल रहे हैं। वहीं चीन लगातार अपनी फिशिंग जहाजों की संख्या में भी इजाफा करता जा रहा है। पिछले वर्ष चीन के पास 300 से करीब फिशिंग जहाज थी जिसके जरिए चीन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं अब चीन के पास 450 फिशिंग जहाजों की संख्या हो गई है। दरअसल आपको बता दें, चीनी नौसेना मछली पकड़ने वाली जहाजों के जरिए भारतीय सीमा के नजदीक आने की कोशिश कर रही है। केवल भारतीय सीमा के नजदीक ही नहीं, उसके साथ जापान और फिलीपींस की सीमा की ओर भी बढ़ रही है। बता दें कि इन समुद्री किनारों और विट्सन टापू के पास चीन ने मार्च की शुरुआत में ही करीब 220 जहाजों को जुटा लिया था और ये क्षेत्र फिलीपींस के 200 नॉटिकल मील आर्थिक क्षेत्र के बेहद नजदीक है। इसलिए फिलीपींस ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत से हवा, समुद्र और जमीन तीनों जगह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी जिसको फिलीपींस से चीन के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। उधर आपको पता ही होगा चीन किस कदर ब्रह्मोस मिसाइल से खौफ खाता है, तो वहीं चीन की घुसपैठ को अल्टीमेटम देने के लिए फ्रांस और भारत दोनों ही अरब सागर में कूद पड़े हैं। तो भारत और फ्रांस ने किन किन हथियारों को चीन के खिलाफ समुद्र में उतारा है उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ ही कुछ ही दिनों में DRDO की ओर से भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल का निर्माण किया गया है उसके बारे में भी बताएंगे। दरअसल DRDO के द्वारा बनाई गई दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल होगी जो समुद्र की सतह को स्पर्श करते हुए दुश्मन के समुद्र में तैनात जंगी बेड़ों को तबाह करेगी। बिल्कुल नीचे से उड़ने की वजह से इस मिसाइल को चीन का एक भी रडार ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं दोनों खबरों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना के लिए अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर अरब सागर में गश्त लगा रहे हैं। फ्रांस और भारत लगातार एक दूसरे के लिए मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फ्रांस और भारत जहां एक तरफ मिलकर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस भारत से MCA विमान के इंजन के निर्माण के लिए काम शुरू करने वाला है। वहीं बीते कल फिर से एक बार अरब सागर में भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना की ओर से जबरदस्त तोपों की फायरिंग की गई थी और साथ ही इस फायरिंग के दौरान कई युद्धपोत और सब मरीनों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। यह सब गोवा में हो रहा था, लेकिन इससे चीन में जबरदस्त खलबली मची हुई थी। बीते कुछ महीनों में चीन समुद्र में भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहा है और समुद्र में अपनी मिसाइलों का परीक्षण करके अपने खौफ को भारत में कायम करना चाहता है। ऐसे में इस तरीके का जवाब भारत की ओर से चीन को अल्टीमेटम के रूप में दिया गया है। आपको बता दें कि चीन दावा करता है कि 2050 तक चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होगी। उधर भारतीय नौसेना समय समय पर चीन को अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए सैन्य अभ्यास करती रहती है। बीते कल भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैनिक युद्ध समाप्त हुआ है। इस युद्धाभ्यास के दौरान स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, INS युद्धपोत, इंटीग्रल सीकिंग MK-42B हेलीकॉप्टर, समुद्री गश्ती विमान P-8I और साथ ही MiG-29 लड़ाकू विमान बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखे गए थे। भारतीय नौसेना ने इन सभी हथियारों को एक स्थान पर एकत्रित किया था जिनका उपयोग किसी ऑपरेशन के लिए किया जाता है। आपको बता दें INS युद्धपोत के जरिए लड़ाकू जहाज उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। इसे समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस के रूप में जाना जाता है। युद्धाभ्यास के दौरान इस पर MiG-29 लड़ाकू विमान को तैनात किया गया था। वहीं दूसरी ओर P-8I गश्ती विमान जो अपने पावरफुल रडार के जरिए समुद्र के नीचे चल रहे सबमरीन को भी ट्रैक करने की क्षमता से लैस होता है, उसका भी प्रदर्शन भारतीय नौसेना ने किया। जब भी भारतीय नौसेना को किसी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना होता है तो सबसे पहले गश्ती विमान के द्वारा उसे ट्रैक किया जाता है। युद्धपोतों में लगी मिसाइलों के द्वारा उस पर निशाना लगाया जाता है।
और यदि जरूरत पड़े तो फाइटर जेट के द्वारा ऊपर से उस पर मिसाइलें भी दागी जा सकती है। वहीं इस तरह फ्रांसीसी नौसेना का प्रतिनिधित्व लॉ फेयर्ड क्लास फ्रिगेट एफएस कोर्टबेट और पनडुब्बी को शामिल किया गया था। आपको बता दें, दोनों नौसेनाओं के बीच ये अभ्यास भारत फ्रांस के रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं इस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत 1993 में हुई थी। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। ये तो भारतीय नौसेना का कारनामा था जो चीनी नौसेना का समुद्र में होश उड़ा रहा है। यह तो थी फ्रांस और भारत समुद्र में तैयारी की खबर। अब आइए आपको डीआरडीओ की ओर से तैयार की गई उस खास मिसाइल के बारे में बताएंगे जो चीन के होश उड़ाने वाली है। पिछले कुछ महीनों से भारत के समुद्री सीमा में चीन की ओर से कई सबमरीन को घुसपैठ के लिए देखा गया था। एक तरफ चीन भारत से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ घुसपैठ की भी कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसी को देखते हुए भारत के डीआरडीओ ने एक एंटी सबमरीन मिसाइल का निर्माण किया है जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर के द्वारा फायर की जाएगी। यह मिसाइल पूरी तरीके से उपयोग के लिए तैयार की गई है जो समुद्र में किसी युद्धपोत या फिर सबमरीन को तबाह करने की काबिलियत रखती है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय नौसेना ने समुद्र की किसी भी घुसपैठ की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है जिसे सीकिंग हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है और इसी हेलीकॉप्टर में मिसाइलों का भी उपयोग किया जा सकेगा, जिसके चलते यह हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू विमान के रूप में समुद्र में तैनात होगा। वहीं इस मिसाइल को पहली बार 2020 के डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। अब यह मिसाइल बनकर तैयार हो गई और आने वाले कुछ ही दिनों में इसी मिसाइल का उपयोग दुश्मन देश की शिप को काउंटर करने के लिए किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, जिस हेलीकॉप्टर से इसका इस्तेमाल किया जाएगा उसमें पहले सी ईगल मिसाइल का उपयोग किया जाता था। इस मिसाइल का निर्माण यूके के द्वारा किया गया है। यह मिसाइल अपने साथ एक बार में 580 किलोग्राम का भार ले जाने की क्षमता रखती है। वहीं इस मिसाइल से 150 किलोमीटर के अंदर से टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 1 मैक के आसपास है, लेकिन फिलहाल इस मिसाइल को भारतीय सेना आगे उपयोग नहीं करने वाली है। इसी वजह से डीआरडीओ ने एक नई एंटी सबमरीन मिसाइल का निर्माण किया है। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई इस एंटी सबमरीन का वजन 370 किलोग्राम के करीब होगा। लंबाई 3.6 मीटर के आसपास होगी। इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर से 55 किलोमीटर के बीच होगी। इस मिसाइल की एक और बहुत बड़ी खूबी है, इसमें 100 किलोग्राम तक के वॉरहेड भी लगाए जा सकते हैं, यानी कि इस मिसाइल में 100 किलोग्राम तक के बम को अपलोड किया जा सकेगा। इसका एल्टीट्यूड यानी कि कितनी ऊंचाई तक जा सकती है तो आपको बता दे, इसमें 91 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक आसानी से उड़ाया जा सकता है। जब यह अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाएगी तो दुश्मन देश के द्वारा लगाए गए रडार की पकड़ से बाहर हो जाएगी और साथ ही यह लो फ्लाइंग एल्टीट्यूड की क्वालिटी भी है, यानी समुद्र से बिल्कुल छूती हुई उड़ सकती है, जिसके चलते रडार इसको जरा भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। यह समुद्र को छूती हुई 1 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होगी, यानी कि अब यहाँ भारत चीन के लिए समुद्र में बहुत ही मुश्किल खड़ा करने वाला है। समुद्र में भारत का सामना करना चीन के बस की बात अब नहीं रहेगा, क्योंकि जब चीन द्वारा तैनात रडार इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो काउंटर की बात तो बहुत दूर की है। यानी कि इस मिसाइल को बनाने में डीआरडीओ ने कुल 3 साल खर्च किए हैं, तो लिहाजा इस मिसाइल के एक एक पार्ट्स को बड़ी बारीकी से तैयार किया गया है और अब ये मिसाइल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। बस इसका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से परीक्षण किया जाना बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में डीआरडीओ के लिए जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।